बारे में पढ़ रहे थे, और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला जो पढ़े हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है जब हमारा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे हमने यूज किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस रिएक्शन यू विल लिबरेट हीट, इन्वॉल्व हीट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक इज नॉट अ काइंड ऑफ रिएक्शन, इट इज अ जस्ट अ टाइप ऑफ, इट इज जस्ट अ रिएक्शन नेम। यू डोंट, मतलब तुमको ये नहीं सोचना है कि ये कोई टाइप ऑफ रिएक्शन बन गया, ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन का नाम दिया गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट एक्चुअली में कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ये टाइप का रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये नहीं सोचे कोई पूछे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये बोलना कि छठा टाइप है, पांचवा टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, छठा टाइप है एंडोथर्मिक। हां हां, बस इसमें हीट लिबरेट हुआ इसलिए इसका नाम हम लोग ये भी कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। जैसे कहते हैं ना किसी पापा के दो बेटे हैं, फिर इनका भी दो बेटा, कोई भी ऐसे में दो आ सकते हैं, ये सन डॉटर, ऐसा वाला हाल है। बस ये मान के चलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बस मैं हीट लिबरेट हुआ, इन्वॉल्व हुआ, तो उसमें कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। इसमें होते हैं हीट एंडोथर्मिक में हीट रिएक्टेंट पार्ट में यूज होता है, तब बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये दोनों का भाई भाई है। बात समझ में आई, ये समझ में आई, ठीक। और भी खाना खाते हैं हम लोग, उसमें फूड का डाइजेशन होता है, तो हमने बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है तो भी हीट इलिबरेट करता है, तो हीट इन्वॉल्व करता है, तो क्या कहेंगे एक्सोथर्मिक। मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो हीट इन्वॉल्व हो रहा है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही बात मुझे दे रखा है, जो हम लोग पोटैटो कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं उनमें खाना डाइजेस्ट होता है हमारे स्टोमक में जाने के बाद, तो वो जो डाइजेस्ट होता है तो उसमें हीट कैसा है, हीट लिबरेट हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए, आगे बढ़िए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसका रिवर्स प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन में क्या था कि जैसे दो रिएक्टेंट दे रखे थे, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अभी क्या कह रहा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसको हीट इन्वॉल्व किए, इसमें क्या किया हीट इन्वॉल्व है। अब जब हीट दिएंगे इसमें तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा, इसको नाम देते हैं हम लोग फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्यों बढ़ा, क्योंकि ये आयरन है, आयरन का वर्ड होता है फेरस, फेरस सल्फेट ये है SO4। जब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे SO2 है, ट्राई इसलिए क्योंकि यहाँ पे SO3 है। सल्फर डाइऑक्साइड तब बनता है जब SO2 लिखते हैं, SO3 होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये इन सारे पार्टों में टूटेगा, और जो टूटने के प्रोसेस को ही कहते हैं डीकम्पोज हो जाना। डीकम्पोज होना मतलब बिखरना, टूटना, ये रिएक्शन कहता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी चीजों का टूट रहा है तीन पार्ट में, ठीक है, यही कहता है रिएक्शन को। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने ये रिएक्शन बता दिया था कि अगर 2FeSO4 हो, जब हीट इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें Fe2O3 और SO2 और SO3 बनता है। अब इसका आखिरी रिएक्शन है हमारा लेड नाइट्रेट का। इसमें मैंने बताया कि लेड में Pb पे चार्ज -2 का होता है और नाइट्रेट पे चार्ज -1 होता है, और लेड पे माइनस चार्ज का कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे NO3 का होल 2 बन रहा है, यानी लेड पे चार्ज कितना है +2 का, और इस पे -7 का चार्ज है, तो ऑक्साइड इसका कंपाउंड नाम क्या करेंगे, तो बोलेंगे लेड नाइट्रेट बोलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब यह है PbO, इसको क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड बोलेंगे, क्योंकि पीवी पे चार्ज +2 है और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तो +2 और -2 चार्ज दोनों बैलेंस हो जाता है, ये बैलेंस ऑक्साइड रिएक्शन, इसकी नेट चार्ज 0 है। फिर आगे बढ़ते हैं NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड इसलिए बोल रहे हैं, इसको कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसलिए बोल रहे हैं डाइऑक्साइड है, ठीक। अब लास्ट में बचा हमारा ऑक्सीजन, और एक बात और कहेंगे कि जब भी कोई रिएक्शन, जैसे CaCO3 है, इसको बोलते हैं चूना पत्थर, इसको जब हम लोग हीट इन्वॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, क्विक लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चूना पत्थर क्यों कहा है, क्योंकि इसमें हम लोग, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि हीट करने पे कैल्शियम क्विक लाइम में ब्रेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीट का इन्वॉल्व हो रहा है। जो भी डिकम्पोजिशन होंगे उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक, दोनों बात एक ही है।